श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल भक्तिमय वेदांत में स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि द्रौपदी अर्जुन से नहीं किसी और से प्यार करती थी और वो उन्हीं से शादी करना चाहती थी। आइए जानते थे वो महारथी कौन है। दोस्तों, अगर महाभारत की कहानियों को नज़दीकी से समझा जाए तो आपको लगेगा कि यहाँ सिर्फ दो ऐसे किरदार हैं जिनके साथ ना सिर्फ अन्याय हुआ बल्कि जो सबसे दो सशक्त किरदार थे, एक द्रौपदी और दूसरा कर्ण। जी हाँ दोस्तों, कर्ण को पूरी ज़िंदगी उपेक्षा का शिकार होना पड़ा, तो वहीं पांच पतियों का सौभाग्य मिलने के बाद भी एक भी उसके सम्मान की रक्षा न कर पाए, वो थी द्रौपदी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कर्ण और द्रौपदी को लेकर एक कहानी भी है, उनकी प्रेम कहानी। दोस्तों, आपको बता दें कि द्रौपदी कैसा वर चाहती थी। द्रौपदी एक ऐसा वर चाहती थी जो सर्वगुण संपन्न हो, जो एक कुशल योद्धा होने के साथ नैन नक्श में अच्छा हो, हष्टपुष्ट हो, उसके साथ उसके नैतिक गुण हो और वो बुद्धिमान भी हो। लेकिन ये सारी खूबियाँ सिर्फ एक ही योद्धा में मौजूद मिलना बहुत मुश्किल था। वो एक जो योद्धा था वो केवल कर्ण ही था। लेकिन महाभारत काल में दोनों की शादी नहीं होने लिखी थी, इसलिए द्रौपदी ने पांडवों से शादी की, जिनमें अलग अलग गुण थे। युधिष्ठिर में नैतिक, भीम में शारीरिक तौर पर मजबूत, अर्जुन एक कुशल योद्धा, नकुल के नैन नक्श और सहदेव एक बुद्धिमान। दोस्तों, आपको बता दें कि कर्ण को द्रौपदी से प्यार हो गया था, क्योंकि पांचाल देश के जो राजा द्रुपद की पुत्री होने के कारण द्रौपदी की कई जुड़ी बातें वो अन्य राज्यों तक फैली हुई थी। उनकी सुंदरता, बुद्धि, विवेक को देखकर कई राजा द्रौपदी पर मोहित थे। लेकिन महारथी कर्ण को द्रौपदी का निडर स्वभाव बहुत पसंद था। द्रौपदी अपने सखियों के साथ भ्रमण करने के लिए जाया करती थी। द्रौपदी को देखते ही कर्ण को उनसे प्रेम हो गया। दोस्तों, द्रौपदी को भी कर्ण पसंद आए थे। जब द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद ने द्रौपदी के कक्ष में दासी द्वारा महान योद्धाओं के चित्र भिजवाए तो उनमें कर्ण का भी चित्र था, क्योंकि दुर्योधन का मित्र होने के कारण सभी कर्ण का सम्मान करने लगे और वो एक राजसी परिवार के वंश की तरह मानते थे। द्रौपदी कर्ण का चित्र देखकर उन्हें पसंद करने लगी और जब स्वयंवर का दिन आया तो द्रौपदी की दृष्टि सभी राजाओं और पांडवों से में से कर्ण को ही ढूंढ रही थी। दोस्तों, आपको कारण बताया कि कर्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ। द्रौपदी को उनके पिता राजा द्रुपद ने भीष्म से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा के बारे में बहुत पहले ही बताया था। साथ ही द्रौपदी ये भी जान चुकी थी कि कर्ण एक सूत पुत्र है और अगर उसका विवाह कर्ण से होता है तो वह जीवन भर एक दासी की पहचान में जानी जाएगी। उसने सोचा कि कर्ण से विवाह करने के बाद अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूरा करने में वो सहयोग नहीं कर पाएगी। इस दुविधा में पड़कर द्रौपदी ने अपने दिल की बजाय अपनी दिमाग की बात सुनी और कर्ण से विवाह का इरादा उसने छोड़ दिया। और दोस्तों, आपको बताएं कि उन्होंने कर्ण का तिरस्कार भी किया था। अपने आप से निराश हो चुकी द्रौपदी ने स्वयंवर में एक कठोर निर्णय लेते हुए कर्ण को सूत पुत्र कहकर अपमानित किया। द्रुपद पुत्री ने भरी सभा में कर्ण को कहा कि वो एक सूत पुत्र के साथ विवाह नहीं कर सकती। इससे कर्ण को बहुत आघात पहुंचा कि द्रौपदी जैसे निडर और क्रांतिकारी सोच रखने वाली स्त्री उनका जाति के आधार पर इस तरह अपमान कैसे कर सकती हैं। इसलिए चीरहरण के वक्त भी कर्ण मौन रहे। जब दुर्योधन और दुशासन द्रौपदी को वस्त्र हरण करने लगे और जंघा पर बिठाने का आदेश दिया तो सभी खेल में नियम का बहाना बनाकर मौन रहे। वहीं कर्ण भी स्वयंवर में अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए मौन रहे। लेकिन बाद में भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को समझाया कि कर्ण के कटु वचन पांडवों की सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए थे। और दोस्तों, आपको बता दें कि द्रौपदी को नहीं पता था कि कर्ण भी उनसे प्रेम करते हैं। ये उन्हें कब पता चला? जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पर मौत में प्रतीक्षा कर रहे थे तब महारथी कर्ण उनके पास गए और उन्होंने उनसे अपने जीवन के प्रेम के रहस्य के बारे में बताया। और दोस्तों, वहीं पर द्रौपदी खड़ी थी, जिन्होंने ये सारी बात सुन ली तब उनको पता चला कि कर्ण भी उनसे कितना प्रेम करते थे। लेकिन महाभारत के युद्ध में अर्जुन द्वारा कर्ण का वध किए जाने के साथ ही उनके प्रेम कहानी भी खत्म हो गई। दोस्तों, कहते हैं कि जब द्रौपदी स्वर्ग में गईं तो सबसे पहले उनका कर्ण ने ही उठकर मुस्कुराते हुए स्वागत किया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी कर्ण की और द्रौपदी की। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री राधे।